हेलो एवरीवन, दिस इज़ इकरा नवाज़ और आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स बिगिन विद डिफाइनिंग द टर्म एनवायरनमेंट। ओके, एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग्स, एनीथिंग दैट इफेक्ट्स इट्स ऑपरेशन फेवरेबली और अनफेवरेबली। अगर हम सिंपल वर्ड्स में ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को डिफाइन करें तो बेसिकली ये वो सराउंडिंग्स या वो कंडीशंस हैं जिनमें रहते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन अपने फंक्शंस परफॉर्म करती है, और ये सराउंडिंग्स या ये कंडीशंस जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है। मींस के पॉलिसी मेकिंग के अंदर या कोई भी डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको इन फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है। ओके, अब देखते हैं कि इस एनवायरनमेंट की टाइप्स कितनी हैं। ओके, बिजनेस एनवायरनमेंट को बेसिकली हम दो तरह के टाइप्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इंटरनल एनवायरनमेंट एंड द सेकंड वन इज़ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो लेट्स बिगिन विद इंटरनल एनवायरनमेंट। ओके, इंटरनल एनवायरनमेंट बेसिकली ये वो कंडीशंस या वो सराउंडिंग्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही मौजूद होती हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को या आपकी पॉलिसी मेकिंग को इफ़ेक्ट करती हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन शामिल होता है। बेसिकली इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आपके ओनर्स, आपके एम्प्लॉयज़, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मोर स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है ये इफ़ेक्ट करते हैं आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को। ओके, अब बात करते हैं ओनर्स की। ओनर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया होता है एंड विच हैव प्रॉपर्टी राइट्स एंड क्लेम्स ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन। सो इट कैन बी एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्सन जिन्होंने इकट्ठे मिलके एक बिज़नेस स्टार्ट किया होता है, या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने शेयर मार्केट से इसके शेयर्स जो हैं वो परचेज़ किए हुए होते हैं। सो बीइंग द ओनर दे कैन चेंज द पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट एनी टाइम। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो गवर्निंग बॉडी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिनको स्टेक होल्डर्स जो हैं या ओनर्स आप कह सकते हैं वो इलेक्ट करते हैं, और इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, इन्होंने फर्म की टॉप मैनेजमेंट को ओवरसी करना होता है, उनके काम को देखना होता है कि क्या वो आपकी जो प्लानिंग है उसको ठीक तरह से इम्प्लीमेंट करवा पा रहे हैं या नहीं। द नेक्स्ट वन इज़ एम्प्लॉयज़। अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। आपका इंटरनल एनवायरनमेंट का जो की एलिमेंट है या की वेरिएबल है वो आपके एम्प्लॉयज़ हैं। इफ़ यू आर मैनेजिंग प्रॉपरली एंड पॉजिटिवली योर एम्प्लॉयज़, सो व्हाट हैपन, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं दे कैन पॉजिटिवली चेंज द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, बट इल मैनेजमेंट कैन लीड टू कैटास्ट्रोफिक सिचुएशंस फॉर द कंपनी। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ कल्चर। अगर हम कल्चर की बात करें तो कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में, और अगर हम कल्चर को डिफ़ाइन करें तो बेसिकली ये आपकी कंपनी में काम करने वाले लोगों के कलेक्टिव बिलीव्स हैं, बिहेवियर है, विजन है, हैबिट्स हैं, ठीक है, दे कैन अटैच टू देयर एक्शंस। सो कल्चर जो है वो एक इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके एनवायरनमेंट को शेप करने में, और आपकी जो इंटरनल एनवायरनमेंट है एज अ फाउंडेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल एनवायरनमेंट इट प्लेज़ अ मेजर रोल इन शेपिंग मैनेजेरियल बिहेवियर। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी बेसिकली हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को डिफाइन करें तो ये वो एलिमेंट्स या ये वो फैक्टर्स या कंडीशंस हैं जो कि आपकी कंपनी की पॉलिसीज़ को या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। इसको हमने दो लेयर्स में डिवाइड किया, द फर्स्ट वन इज़ जनरल एनवायरनमेंट, द सेकंड वन इज़ टास्क एनवायरनमेंट या स्पेसिफिक एनवायरनमेंट भी इसको कहते हैं। तो जनरल एनवायरनमेंट के अंदर पहले हम जनरल एनवायरनमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। सो जनरल एनवायरनमेंट के अंदर वो फैक्टर्स होते हैं जिनका एसच इमीडिएट या डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं होता, बट स्टिल दे हैव एन इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन और ये इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को, ठीक है। अगर हम इसको डिफाइन करें, इसके अंदर जो सब डिवीजन्स हैं उनमें सबसे पहले आता है इकोनॉमिक डायमेंशन।
इकोनॉमिक डायमेंशंस क्या है? इकोनॉमिक डायमेंशंस बेसिकली ये है कि आपकी जो कंपनी है वो किस सिचुएशन में रहते हुए काम कर रही है, मींस के इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं उस कंट्री की या उस रीजन की जहाँ पे जो कंपनी है वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। मींस जो बेसिक इकोनॉमिक डायमेंशंस हम देखते हैं उनमें इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट्स और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कंसिडरेबल फैक्टर्स हैं। अगर हम देखें, अगर इन्फ्लेशन चल रही है तो क्या होगा कि कंपनी को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अपने रिसोर्सेज के लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो क्या होगा कि ओवरऑल प्राइसेस जो हैं कमोडिटीज़ की वो फिर हाई होगी क्योंकि उनकी कॉस्ट जो उनको बनाने में लगी है वो हाई है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई होंगे देन कस्टमर्स विल बी लेस विलिंग टू बोरो मनी एंड द सेम विल हैपन टू द कंपनी इटसेल्फ हु हैज़ टू पे मोर व्हेन इट बोरोस। सो अगर अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगी तो क्या होगा कि कंपनी जो होगी वो बहुत सिलेक्टिव होगी लोगों को चूज़ करने में, हायर करने में। ठीक है, इस लिहाज से फिर अगर हम कस्टमर्स की बाइंग पावर को देखें तो वो भी कम होगी क्योंकि लेस पीपल आर वर्किंग ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। सो ये फैक्टर्स जो हैं ये भी इफ़ेक्ट करते हैं बट एज सच इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता है इनका ऑर्गेनाइजेशन पे। देन कम्स टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस। इसमें क्या होता है कि आपकी कंपनी को, आपके मैनेजर्स को बहुत केयरफुल रहना होता है अबाउट द टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस। आपको देखना होता है कि मार्केट में कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही है। अगर आप उसको अपनी कंपनी में अडाप्ट करना चाह रहे हैं, इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, देन यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ठीक है, सो अगर हम इसको सिंपल वर्ड में देखें तो इट्स द मैथड्स अवेलेबल फॉर कन्वर्टिंग रिसोर्सेज इन टू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। सो दैट दीज आर द टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस। सो अ मैनेजर मस्ट बी अवेयर वॉट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट रिगार्डिंग टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस। सो नेक्स्ट हम देखते हैं वो है सोशो कल्चरल डायमेंशन। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसमें क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ कस्टम्स, मोरेज, वैल्यूज एंड डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज करंटली ऑपरेटिंग। सो एक मैनेजर को इसको वेल स्टडी कर लेना चाहिए बिफोर ऑपरेटिंग एनी न्यू प्रोडक्ट और फंक्शन। सो अगर हम इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो रिसेंटली क्रीम ने एक एड चलाया जिसमें उसने था कि अगर अपनी शादी से भागना है तो करीम पाइक कराओ। सो सोसाइटी की वैल्यू से ये चीज़ कंट्राडिक्ट हुई, तो क्या हुआ कि सोसाइटी के प्रेशर की वजह से उनको ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो ख़त्म करना पड़ी, बिलबोर्ड उतारने पड़े। सो व्हेन यू कंट्राडिक्ट विद सोसाइटी कल्चर और वैल्यूज़ और मॉरल्स देन आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ती है। आपकी जो रेपुटेशन है मार्केट के अंदर वो ख़राब होती है, आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स जो हैं उनको लूज़ करना शुरू कर देते हो। बट इन द सेम केस अगर आप सोसाइटी की डायमेंशंस को अच्छी तरह से स्टडी करते हो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रोडक्ट्स सर्विसेज लॉन्च करते हो या अपने स्टैंडर्ड्स जो हैं सोसाइटी के वैल्यूज़ के साथ आप मीट करते हो, देन सोसाइटी इज़ लाइकली टू वैल्यू एंड अप्रिशिएट योर वर्क। सो आपने बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सोसाइटी के टेस्ट को देखते हुए अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज में मॉडिफिकेशन करें। ओके, नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल एंड लीगल डायमेंशन। इसमें क्या होता है कि ओवरऑल पॉलिटिकल एंड लीगल सिचुएशन देखी जाती है कंपनी की, एक कंट्री की। इसमें देखा जाता है कि उस कंट्री ने बिजनेस लॉ के अकॉर्डिंगली आपके लिए कौन सा एक फ्रेमवर्क जो बनाया है डूज एंड डोंट्स का, आपने उसके अकॉर्डिंगली चलना है। ठीक है, इफ़ यू कंट्राडिक्ट विद दैट देन आपके लिए आपको बहुत ज़्यादा लीगल डायमेंशन या लीगल सेंक्शंस को फेस करना पड़ता है। और जिस कंट्री के अंदर आपकी लीगल डायमेंशन या अगर आप यूँ समझें कि बिजनेस लॉ की जो डायमेंशन हैं वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल होती हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो इंस्टॉल करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं। ठीक है, तो एक अच्छे बिजनेस और गवर्नमेंट रिलेशनशिप्स जो हैं वो ना सिर्फ एक कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डायमेंशन। बीइंग अ ग्लोबल विलेज, आपकी जो कंपनी की एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं दूसरी कंट्रीज़ के अंदर इस लिहाज से, बिजनेसेस से। ठीक है, सो बीइंग अ ग्लोबल सोसाइटी कॉन्सेप्ट हैज़ ब्रॉट ऑल द नेशंस टुगेदर एंड मॉडर्न नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ नाउ कनेक्टेड। ठीक है, तो इन फैक्टर्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है एक मैनेजर के लिए।
नेक्स्ट हम देखते हैं वो है टास्क एनवायरनमेंट। इसको हम बहुत कह सकते हैं कि बहुत स्पेसिफिकली देखें तो इसको हम ये कह सकते हैं स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, जिसके अंदर रहते हुए आपने काम करना है और इसकी इट हैज़ डायरेक्ट और इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज। इसके अंदर आपके सप्लायर्स आ जाते हैं, आपके कस्टमर्स, कंपेटिटर्स, रेगुलेटर्स वगैरह सब आते हैं। तो एक मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ओवरऑल इन्वायरमेंट में से इस चीज़ को देखे कि उसके काम पे, उसके पॉलिसीज़ के ऊपर टास्क इन्वायरमेंट, जनरल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट किस तरह से इफेक्ट करता है। सो लेट्स बिगिन विद द कंपेरिटर्स। कंपेरिटर्स क्या करते हैं? कंपेरिटर्स बेसिकली आपकी पॉलिसीज़ पे डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं, ठीक है ना? सो दे हैव डायरेक्ट और इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन योर पॉलिसीज़। क्यों? क्योंकि कंपेरिटिव मार्केट प्लेस कंपनी कंपेरिटिव मार्केट प्लेस कंपनीज आर ऑलवेज ट्राइंग टू स्टे एंड गो फॉर द हेड ऑफ द कंपेरिटर्स। मीन्स के एक कंपेरिटिव मार्केट प्लेस के अंदर कंपनीज जो हैं वो ट्राई करती हैं कि एक तो वो स्टे करें और इसके अलावा वो अपने कंपेटिटर्स को भी से आगे निकल जाएं, ठीक है? सो आज की अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर देखें तो कंपेटिटर्स के साथ साथ कंपटीशन जो है हर लिहाज से, हर डोमेन में इंक्रीज़ होता जा रहा है। अगर तो आपकी मोनोपली है, एक मोनोपली है किसी एक प्रोडक्ट को लेकर, तो देन यू डोंट नीड टू वरी। बट इफ़ देयर आर कंपेटिटर्स हु हैव एंटर्ड इन द मार्केट, देन यू हैव टू कीप एन आई ऑन देम, ऑन देयर एक्टिविटीज़, ठीक है? सो आपको अपने कस्टमर्स को रिटेन करना है, उनको सेटिस्फाई रखना है, ताकि कंपेटिटर्स जो आपका मार्केट शेयर है उसको ऑक्यूपाई ना कर पाएँ। सो नेक्स्ट वन इज़ कस्टमर्स, कस्टमर्स सेटिस्फेक्शन। ये जो एक टर्म है ना, सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स, ये हर ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी गोल होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसका कस्टमर जो है उसकी सर्विसेज या उसके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई रहे, क्योंकि ये कस्टमर्स ही होते हैं जो आपको प्रॉफिट्स ला के देते हैं, ठीक है? और आप काम भी प्रॉफिट्स के लिए ही कर रहे होते हो। सो यू हैव टू सेटिस्फाई योर कस्टमर्स इन एवरी रिस्पेक्ट, एवरी डोमेन। सो यू हैव टू डू वट एवर यू कैन डू टू सेटिस्फाई योर कस्टमर्स। नेक्स्ट आपके सप्लायर्स आते हैं, आपके कनेक्शंस, आपके रिलेशनशिप्स जो आपके सप्लायर के साथ हैं, उनको अच्छे से डील करना एक मैनेजर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ अगर आपके अच्छे रिलेशनशिप होंगे अपने सप्लायर्स के साथ, तो आपके पास जो रॉ मटेरियल या वो जो भी आपको सप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट्स या चीज़ें, उनकी सप्लाई नहीं रुकेगी। तो आपके पास इनपुट मटेरियल जो है वो एक क्वालिटी का आता रहेगा और आता रहेगा, उसका वो एब्रप्ट नहीं होगा। सो अगर हम सप्लायर को करें डिफाइन, तो दे आर द प्रोवाइडर्स ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस मटेरियल। सो एक मैनेजर को इनके साथ भी एक अच्छे रिलेशंस को कायम रखना होता है। नेक्स्ट रेगुलेटर्स हैं, इनको अगर हम ओवरऑल देखें तो ये गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जिसमें आपके ट्रेड यूनियंस या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर जो हैं या इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं, ये भी आपके कंपनी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है? इनको इनके साथ भी एक अच्छी मैनेजमेंट और अच्छे रिलेशनशिप्स जो हैं वो एक कंपनी को मेंटेन करने चाहिए। नेक्स्ट हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स आते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं या इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं जिनके साथ आपने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये एग्रीमेंट आप दोनों को बेनिफिट देगा। सो बीइंग द स्ट्रेटेजिक पार्टनर, दे कैन और दे हैव द इन्फ्लुएंस ऑन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ इन मैनी वेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।